सो हेलो गाइस, वेलकम टू जिन गेमी। जिन गेमी में सब भाइयों का स्वागत है। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पबजी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ने पबजी मोबाइल और पबजी लाइट मोबाइल को कर दिया है बैन, और उसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो ये, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। गेम प्ले आते रहते हैं पीसी गेम्स के, और नई जो भी गेम्स फ्री होती हैं तो उसके भी अपडेट मैंने डालने शुरू कर दिए हैं, तो इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और गाइस, जब पबजी की बात करें तो पबजी का आज शाम 5:30 या 6 बजे के अराउंड आईटी सेल मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने एक ट्वीट किया था, और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि 118 मोर एप्स आर बैंड। तो मैं आपको उनका ट्विटर हैंडल दिखा रहा हूँ। ये ट्विटर हैंडल है उनका, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ट्विटर हैंडल है ये। और ये देख लीजिए, आज 3 घंटे पहले, मतलब 9:10 हुए हैं अभी, तो नियर अबाउट 6 बजे के आसपास, 6 या 5:30 जितने भी होंगे उसके आसपास ये ट्वीट कर रखा है उन्होंने, गवर्नमेंट ब्लॉक्स 118 मोबाइल ऐप्स। तो ये सीधा सीधा बता दिया कि हमने 118 मोर मोबाइल ऐप्स बैन कर दिए हैं, बट ये नहीं बोला कि चाइनीज ऐप्स कर दिए हैं बैन, ये बोला कि बैन कर दिए हैं। और अब इनकी जो डिटेल है वो कहाँ पे, इन्होंने एक प्रेस रिलीज कर रखा है, ये देखिए PIB.gov लिंक दे रखा है, लिंक मैंने ओपन कर रखा है बैकग्राउंड पे। तो ये है इनका प्रेस रिलीज, तो ये अगर किसी ने पढ़ना है तो पढ़ लेना, बट पता ही है इसमें क्या क्या लिखा होगा। और अपेंडिक्स में देखो, ये सारी लिस्ट हैं उन ऐप्स की जो के बैन हो चुकी हैं। 32वें नंबर पे बारी आती है पबजी की। पबजी, लूडो वर्ल्ड कोई अलग से होगी, लूडो वो भी बैन हो चुकी है। पबजी मोबाइल जिसमें नया मैप आने वाला था, और पबजी लाइट मोबाइल भी है बैन हो चुकी, पर मेन फोकस जो है ना वो पबजी पे है। ये लेजेंड ऐसे कुछ है, मेन फोकस जो है ना पबजी पे है, क्योंकि पबजी बहुत सारे बंदे खेलते हैं। मेरे ही स्ट्रीम पे भी एक बंदा है, तो उसने स्पेशली नया फ़ोन लिया है, लेना है, मतलब अभी लेना था आज, तो उसने 3 तारीख को फ़ोन लेना था कि मैं पबजी की लाइव स्ट्रीम करूँगा, पबजी खेल लो। बट गाइज, इसके बाद अब कोई स्कोप नहीं है पबजी का। मुझे बुरा भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है, मतलब न्यूट्रल सा फेस है मेरा, क्योंकि जो पीसी गेमर्स हैं, तो जो पीसी गेमर्स हैं उनको थोड़ा अच्छा लगेगा कि यार हम 6 6 घंटे 8 8 घंटे स्ट्रीम करते हैं और हमें कोई नहीं देखता, तो इसलिए एज अ पीसी गेमर मुझे अच्छा लग रहा है। और अगर मैं बोलूँ कि एज अ इकोनॉमी, क्योंकि इंडिया में पता क्या सीन है कि पेरेंट्स जो है ना वो पीसी अफोर्ड नहीं कर सकते, हर पेरेंट्स जो है ना वो पीसी अफोर्ड नहीं कर सकता कि हाँ मैं अपने बच्चे को 80,000 या 1 लाख या 1.5 लाख का पीसी लेके दूँ, ये अफोर्डेबल नहीं होता हर बंदे के लिए, हर नॉर्मल बंदे की बात कर रहा हूँ। तो उस केस में मुझे बुरा भी फील हो रहा है कि अब काफ़ी बंदे ऐसे हैं जो कि पबजी मोबाइल बहुत ही अच्छा खेलते थे और अब वो खेल नहीं पाएंगे क्योंकि इंडिया में पबजी बैन हो चुका है। तो बेसिकली हमें इंडियन गवर्नमेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि हाँ, जो उन्होंने डिसीजन लिया है कुछ चीज़ सोच के लिया है, तो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ ठीक है, ओके, बैन हो गए, ठीक है। और गाइज, अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, शायद आपके काम आए। अगर आप पबजी नहीं खेल सकते हो ना, तो अपने स्किल को इम्प्रूव करो, जैसे कि मैं भी अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं एपेक्स लेजेंड्स खेलता था, अब मैं वैलोरेंट खेलता हूँ, पहले मैं जीटी खेलता था। तो स्टेप बाय स्टेप ऊपर आना चाहिए। तो आप लोगों के लिए यही टिप है कि अब पीसी गेम्स पे आ जाओ। अगर आपके पास लो एंड स्पेक्स का पीसी भी है ना, तो आप वैलोरेंट आराम से खेल सकते हो। एक बार ट्राई करके देखो, थोड़े दिन डिफिकल्ट लगेगा, थोड़े दिन लगेगा कि पबजी से ज़्यादा डिफिकल्ट है या पबजी अच्छी थी, थोड़े दिन लगेगा। थोड़े दिन बाद आप उसके अकॉर्डिंग अपना, आपका रिफ्लेक्स हो जाएगा, मसल एकदम उसके हिसाब से आप खेलने लगेगा। थोड़े दिन ट्राई करके देखना, एक बार आपको दिक्कत नहीं आएगी कोई भी। तो इसलिए पीसी गेम्स के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। वैलोरेंट ई स्पोर्ट्स में आ रहा है और इंडिया में सर्वर्स आ रहे हैं नवंबर में, तो गाइज लग जाओ, धूम मचा दो, मतलब कतई जहर वाली धूम मचा दो। तो गाइज ऑल द बेस्ट। तो गाइज अभी इसी न्यूज़ के साथ बंद करते हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।